हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। यानी हम देखेंगे यहाँ पर जो बोर मॉडल हमको दिया था, उस बोर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशन है। उसे हम सब जगह सारे एटम्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। किस तरह वो सारे एटम्स पर क्यों नहीं अप्लाई होता है, आइए देखते हैं उनकी लिमिटेशंस को। चलिए शुरू करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। सबसे पहला, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो थ्योरी है बोर मॉडल की, ये सिर्फ हाइड्रोजन जैसे सिंगल एटम को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन जैसे सिंगल एटम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम को हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस किसी भी एटम में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वैसे एटम में हम बोर मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे लिए पहली लिमिटेशन है, ये हमें याद रखना है। चलिए दूसरी लिमिटेशन देखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट शुड बी चूजन व्हेन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है कि हम जब भी एटम को इमेजिन करते हैं, हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड गोल सर्कल बना देते हैं ऑर्बिट का। मतलब हम बोर्स के मॉडल से लेकर बाकी पिछले जितने मॉडल थे उन सब में क्या देख रहे हैं कि ऑर्बिट जो बन रही है वो सर्कुलर बन रही है, यानी बाउंड्री जो बन रही है एटम की वो सर्कुलर बन रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आगे चलकर ये भी हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है, मतलब इलेप्टिकल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, जो कि इस मॉडल बोर्स मॉडल में नहीं समझाया गया है। इस वजह से ये भी हमारे लिए एक लिमिटेशन है जो कि हमें याद रखना है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए, आपने बोर्स थ्योरी हमने सॉल्व की, आपने देखा होगा वहां पर हमने वेव नंबर फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फाइंड किया, यानी सब जगह हमने फ्रीक्वेंसीज की बात की, रिलेटिव इंटेंसिटीज की कोई बात नहीं की हमने। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मिसिंग है यहां पर बोर के मॉडल में, राइट। यानी एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी की बात हमने कोई नहीं की है वहां पर, तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है जो हमें याद रखनी है, क्लियर। सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात की है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। याद रखिए, ज़ीमन इफेक्ट किसे कहेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कन्वर्ट हो रहा है स्पेक्ट्रल सीरीज तो ज़ीमन इफेक्ट कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है तब उसे स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो दो इफेक्ट हैं ये बोर मॉडल में नहीं समझाए गए हैं, तो इस वजह से ये हमारे लिए क्या है, लिमिटेशन बने हुए हैं। याद रखिए, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल है। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स वेव प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोर थ्योरी। एक बात हमें पता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो रहा है, इट इज अ मोशन ऑफ पार्टिकल, राइट। तो यहां पर पार्टिकल के पास दो नेचर है हमारे पास, वन इज वेव नेचर, अदर इज पार्टिकल नेचर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, मतलब रेडिएशन इमिट कर रहा है, इस वजह से वेव नेचर भी इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन करना होना चाहिए था यहां पर, जो कि बोर मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्लियर। चलिए, थैंक यू।